राम राम भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गाइस आज मैं अपनी बाइक की यानी होंडा SP125 की भाई फोर्थ सर्विस कराने वाला हूँ। ये एक भाई पेड सर्विस होने वाली है और इस सर्विस में क्या क्या बाइक में जो है रिपेयरिंग होगी, कौन कौन से पार्ट चेंज किए जाएंगे, ओवरऑल कितना खर्चा आएगा, लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आपको बिल में दिखाऊंगा कि बिल में क्या क्या चीज़ उन्होंने ऐड करी है, कितना लेबर चार्ज जोड़ा है, कौन कौन से पार्ट बाइक में डाले हैं, टोटल कितना खर्चा आने वाला है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइज अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो भाई बिना ज़्यादा बातें करते हुए सीधा चलते हैं भाई सर्विस सेंटर पर और देखते हैं क्या क्या जो है होंडा की जो है SP125 की पेड सर्विस में कितना खर्चा आता है और क्या क्या जो है पार्ट इसमें चेंज होते हैं। तो भाई चलते हैं फटाफट सर्विस सेंटर पर और देखते हैं आगे का सीन। आपको ना गाइस मैं एक बार इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ सर्विस से पहले, देखो भाई क्या हालत हो रही है इसकी, मतलब बिल्कुल गंदी पड़ी है एकदम। ये मैंने काफी दिन से वॉश नहीं करवाई थी है कि भाई सर्विस होने वाली है तो तभी वॉश हो जाएगी, तो भाई इतनी ज्यादा गंदी हो रही है, ऊपर से भाई बारिश का टाइम है तो बहुत ज्यादा भी मट्टी लगी हुई है। इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि सर्विस के साथ साथ ये वॉश भी हो जाएगी तो भाई उसके बाद देखना और अभी कैसी लग रही है। देखो भाई मतलब पूरी एकदम कीचड़ में सनी हुई है भाई, मट्टी में चारों तरफ। और मैं आपको एक बार इसका ना कंसोल ऑन करके दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो भाई देखो 16,625 किलोमीटर चल चुकी है। वैसे जो फोर्थ सर्विस जो होंडा SP125 की होती है जो पेड सर्विस, वो भाई 17,000 से 18,000 किलोमीटर के बीच में होती है, या तो 17,000 से 18,000 किलोमीटर या फिर 6 महीने जो भी पूरा हो जाए। तो मेरे लास्ट सर्विस को 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो इसलिए मैं सर्विस करवा रहा हूँ भाई इसकी। बाकी भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रही है बाइक, तो फटाफट चलते हैं भाई। मैं जिस सर्विस सेंटर पर इसकी सर्विस करवाने जा रहा हूँ ना गाइस, मतलब उसी सर्विस सेंटर से मैंने इस गाड़ी को खरीदा था, घर के पास में ही है मेरे, तो मैंने सोचा कहीं दूर क्यों जाना। इस बाइक में ना भाई दो चार कमी भी जो मैं फील कर रहा हूँ उनको मैं जाके बताऊंगा भाई सर्विस सेंटर वाले को। एक तो भाई इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, देखूंगा अगर कुछ हो जाएगा सॉल्यूशन उसका तो। और दूसरा कभी कभी ना मैं सेल्फ मारता हूँ तो यहाँ पर ना इंजन का साइन बना हुआ आता है और सेल्फ जो है स्टार्ट होती नहीं है सेल्फ मारने पर, मतलब दो चार बार सेल्फ मारता हूँ तब स्टार्ट होती है, ऐसा लगता है जैसे मान लो बैटरी डाउन हो गई हो। तो ये छोटी मोटी और भी दो चार कमियाँ, तो जो भी इसमें कमियाँ आ रही हैं सारी शेयर करूँगा भाई इंजीनियर के साथ। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही मोटो ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, होंडा SP125 से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बाइक से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए भाई मेरे को कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगा। तो भाई ये है अपना सर्विस सेंटर होंडा का SS ऑटो टेक। तो अभी बाइक को लगा देते हैं साइड में और फिर चलते हैं अंदर। आज तो भाई खाली सा लग रहा है, मतलब भीड़ नहीं है और दिन भीड़। अरे तो पूरा चेंज ही कर दिया यार, पार्टीशन कर दिया इधर, पहले पार्टीशन नहीं था, पहले ये पूरा ओपन था, पूरा पार्टीशन कर दिया इसमें, अच्छा ये इधर बना दिया, इधर चेंज कर दिया है। तो पूरा यहीं से ली थी भाई मैंने बाइक अपनी, सर्विस करानी है भाई बाइक की। अच्छा बेसमेंट कर दिया चालू, अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये है भाई बेसमेंट, ये बढ़िया कर दिया भाई, एकदम अलग कर दिया, मतलब चालू है भाई। है मैं ब्लॉग करूं भाई गंदे काम, क्या मैं कोई यहाँ पे कोई नाच रहा हूँ, गंदे काम मत करो यार, सर्विस कराने आया हूँ बाइक की भाई उसकी SP125 की फोर्थ सर्विस करानी है। हाँ शाम तक नहीं भाई, मैं वेट कर लूंगा, एक दो घंटे में दे देना मेरे को। एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी नहीं है, तीन चार गाड़ी है, एक ही तो खड़ी है। अरे यार तो मैं सुनो, मेरी बात तो सुनो, भग रहे हो तुम यार। मैं ये कह रहा हूँ मुझे ऐसा टाइम बता दो कि मैं आऊँ तो हैंड टू हैंड ले जाऊँ। नहीं मैं बाद में आ जाऊँगा ना, सोमवार को आना। सोमवार नहीं भाई आज की कह रहा हूँ, आज मेरे को बता दो ना, मैं उस टाइम पर आ जाऊँगा। तो गेम बजाना पड़ेगा। अपनी बाइक का नंबर आ चुका है भाई, देखो ये खड़ी। बाकी कंडीशन तो देखो भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बाइक एकदम जी भाई। अभी इंजन ऑयल निकाला जा रहा है बाइक का इसका, तो अभी देखना ये है कि मतलब 5,000-6,000 किलोमीटर चलने के बाद और 6 महीने चलने के बाद भाई कैसा इंजन ऑयल निकलता है इसमें। उस्ताद जी के इंजन ऑयल कैसा निकल रहा है इसमें, ठीक निकल रहा है? पूरा निकलना चाहिए इसमें, क्या है ना हाँ कलर तो चेंज हो जाता है, अभी जैसे डालूंगा ना हाँ हाँ देख सकते हो आप, मतलब इतना इसमें इंजन ऑयल लगभग निकल गया है तो ठीक है। इसका भाई अभी एयर फिल्टर एक बार चेक कर रहे हैं खोल के, देखते हैं क्या कंडीशन है। ये निकल चुका अपना एयर फिल्टर, क्या कंडीशन है उस्ताद जी इसकी, चलेगा अभी? तो भाई अभी एयर फिल्टर जो है अपना उस्ताद जी बोल रहे हैं चलेगा अभी, तो इसको रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसके ना पिछले ब्रेक ये दिखाना ये सूख गए हैं ना,
चाहिए। हाँ तो भाई ब्रेक शू भी घिस चुके हैं इसके, नए डलेंगे इसमें रखे हैं जो दिखाना भाई, ये ब्रेक शू डलेंगे इसमें होंडा के, ये भी नए। चौथी सर्विस पे आते आते भाई घिस चुके हैं इसके ब्रेक शू, ये नई ब्रेक शू लगाने के लिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग हो रही है इसमें ना। अच्छा ताकि ब्रेक मतलब स्मूथली लगे, है ना। ये हो रहे भाई अपने नए ब्रेक शू ओपन, दिखाना जरा, ये भाई नए ब्रेक शू। तो भाई इस तरीके से कुछ नए ब्रेक शू लगाए जाते हैं, देखो ये लग गए। अब डलेगा भाई इसमें इंजन ऑयल, ये भाई कुप्पी आ चुकी है। ये कितने ml का रहता है इंजन ऑयल, ये 800 ml भाई, ये 800 ml इंजन ऑयल पूरा चले जाएगा, येलो कलर का इंजन ऑयल। ठीक है भाई इंजन ऑयल डल चुका है भाई पूरा इसमें। किस लिए होता है ये, इंजन के अंदर से क्लीनिंग करता रहता है। अच्छा इंजन की क्लीनिंग के लिए अंदर से, अच्छा लुब्रिकेशन के लिए इंजन के। और ये वाला ऑयल किस लिए है, माइलेज के लिए और टैंक में जंग बना रहा है। अच्छा मतलब टैंक अंदर से क्लीन रहे, माइलेज सही मिले हैं। ये ऑयल फिल्टर, ये ऑयल को फिल्टर करेगा इंजन के। वैसे मैंने थर्ड सर्विस पर कराया था साइड चेंज, लेकिन कोई नहीं कर दो बढ़िया ही है, वो तो कंडीशन देख के पता भी लग जाएगा इसके, है ना। तो भाई ये पुराना ऑयल फिल्टर अभी ना जो है निकल रहा है, ये भाई अपना पुराना ऑयल फिल्टर कैसी कंडीशन है इसकी, बेकार हो चुका है। चलो बढ़िया फिर नया लग रहा है, तो भाई वो रहा पुराना और ये रहा नया, ठीक है लगा। अब इसको लगाने से पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं भाई इसको। अच्छा स्प्रिंग लगाना भूल जाते हैं, बहुत जरूरी है। चलो ये चीज़ बढ़िया है, तो भाई नया ऑयल फिल्टर लग चुका है और ये स्प्रिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है लगानी, तो ये भाई उस्ताद जी ने लगा दिया। अच्छा अभी भाई इसमें ना चैन की थोड़ी ऑयलिंग की जा रही है। तो भाई मेरा ना लेफ्ट साइड का हैंडल वेट बोलते हैं इसको, देखो ये टूट चुका था, तो ये भी मैं नया लगवा लेता हूँ अभी। लेकिन इसका जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो अंदर, अच्छा अंदर ही चला गया वो, कोई नहीं हाँ ये तो लग जाएगा ऊपर से, इसके बिना बहुत मतलब हैंडल बेकार से लगता है यार, तो ये भी लगवा लेता हूँ। मेरे को ना भाई इसकी बैटरी में कमी लग रही थी, तो मैं एक बार इसकी बैटरी ज़रा चेक करवा लेता हूँ। सेल्फ वाली प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना इसमें, तो वो शायद बैटरी की वजह से पता नहीं क्या है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी। दिखाना क्या रीडिंग आ रही है, है? खराब है ना। हाँ तभी मैं कह रहा था बैटरी में दिक्कत है इसमें, क्योंकि कभी कभी हॉर्न भी स्लो बजता है और ये सेल्फ भी कभी कभी नहीं लेती। तो वारंटी में भी चेंज हो जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा। A few minutes later. गाइस सर्विस हो चुकी है बाइक की कंप्लीट और मैं अभी सर्विस सेंटर से आ चुका हूँ। जितनी गंदी हालत में मैं इस बाइक को लेके गया था, उतनी ही गंदी हालत में इस बाइक को वापस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बाइक मेरी वॉश नहीं हुई है। सर्विस सेंटर वालों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई बैकअप था, इसलिए मेरी बाइक भी वॉश नहीं हुई। इनवॉइस की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मेरे को कुछ भी नहीं मिली। तो सोच रहा हूँ अभी इस बाइक को किसी दूसरी दुकान पर वॉश करवा लेता हूँ, क्योंकि बिना वॉश के तो भाई वो मजा आएगा ही नहीं कि भाई सर्विस हुई है बाइक की, ऐसा लगेगा ही नहीं। तो फटाफट इसको पहले किसी दुकान पर वॉश करवा लेते हैं। ये देखो भाई होंडा के सर्विस सेंटर से सर्विस कराने के बाद भी भाई इस कंडीशन में गाड़ी मिली है मेरे को, जैसी लेके गया था सुबह बिल्कुल वैसी ही, उतनी गंदी है, खाली सर्विस कर दिया बस। तो अभी मैं भाई यहाँ दुकान पे आ गया हूँ, अभी यहाँ इसकी वॉशिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल रिव्यू। तो भाई बाइक मैं वॉश करवा के ले आया हूँ, देख सकते हो आप, अब लग रही है कि हाँ भाई सर्विस हुई है, मतलब इतनी गंदी लग रही थी तो अब कुछ फील आ रहा है सर्विस वाला। जब तक बाइक धुबे ना ना भाई, जब तक बाइक वॉश ना हो वो फील ही नहीं आता कि बाइक सर्विस हुई है। भाई मैं बताता हूँ भाई क्या क्या चेंजेस इसमें किए हैं। भाई सबसे पहला तो इसमें इंजन ऑयल डाला है, सेकंड नंबर पे इसमें जो है इसका एयर फिल्टर था वो चेंज नहीं किया, उसने बोला अभी ठीक है वो चलेगा, तो वो चेंज नहीं किया, उसने क्लीन करके लगा दिया। और दूसरा इसमें एक एयर ऑयल फिल्टर डलता है, इसमें देखो ऑयल फिल्टर डाला है, साथ में इंजन ऑयल के साथ में इसमें एक वो तेल की शीशी आती है छोटी सी, वो डाली थी टैंक में,
एक ऑयल फिल्टर के साथ में छोटा ऑयल की बोतल डाली थी, ठीक है। और भाई पिछले ब्रेक शूज के जो घिस चुके थे, पिछले ब्रेक शू चेंज किए हैं इसमें, बाकी जो नॉर्मल इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह होती है वो किया। एक मेरा भाई इसको वेट हैंडल वेट बोलते हैं, ये मेरा टूट गया था, ये मैंने डलवाया है इसमें। चैन वगैरह सेट किया उसने। और भाई एक ना बैटरी पे, जैसे इस साइड बैटरी होती है तो बैटरी पे ना स्प्रे मारा जाता है, एक ब्लू कलर का स्प्रे होता है कार्बन नाला के, वो स्प्रे मारा था। हालांकि भाई इसकी बैटरी खराब हो चुकी है, इसने चेक की थी, तो उसका चेंज करने का प्रोसेस क्या है मैंने पूछ लिया, चेंज करवाऊंगा वारंटी में अभी, तो बैटरी भाई इसकी चेंज हो जाएगी। और भाई इसके सॉकर बहुत ज्यादा सस्पेंशन हार्ड था, तो ये उसने भाई एडजस्ट कर दिया है। अभी चलाने के बाद पता लगेगा कि उससे कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। और मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कितना खर्चा आया है। बिल देखोगे ना शॉक्ड हो जाओगे आप। शॉक्ड क्यों? क्योंकि भाई देखो बिल कैसा दिया है, देखो ये है बिल। क्योंकि भाई वहाँ सर्विस सेंटर पर जो है लाइट नहीं आ रही थी, तो पावर बैकअप नहीं था, इतना पावर बैकअप भी नहीं था कि मतलब वो एक बिल की जो है कॉपी निकाल सके सिस्टम से। तो उन्होंने लिख के दे दिया, सॉफ्ट कॉपी मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, बता रहे थे बाद में। तो बता दो मैं, देखो 406 रुपये का तो इसमें इंजन ऑयल डला है, ब्रेक 271 के ब्रेक शू, 84 रुपये का ऑयल फिल्टर, 250 रुपये का वो जो इसने ऑयल की बोतल डाली थी छोटी वाली वो थी एक, और ये 40 रुपये का हैंडल वेट ये वाला, और भाई 413 रुपये सर्विस चार्ज, और 50 रुपये का बैटरी स्प्रे, टोटल भाई 1514, मतलब 1500 रुपये का खर्चा SP125 की जो है फोर्थ सर्विस पर, पेड सर्विस पर भाई 1500 रुपये लग चुके हैं। भाई ये थी इसकी पेड सर्विस जो कि 1500 रुपये खा चुकी है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा भाई एक्सपीरियंस रहा है ना होंडा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस कराने का, वो भाई मेरा अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख सकते हो पावर बैकअप नहीं था। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। भाई मेरे को 3 से 4 घंटे मेरे इसमें वेस्ट हो गए सर्विस में, और भाई बहुत तेज भूख लग रही है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई वीडियो को शेयर भी कर दो। अरे यार साइकिल वाले, ठीक है भाई, तो मिलते हैं दोबारा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।